Now we take the next example. Oil is leaking at the rate of 16 ml per second from a vertically kept cylindrical drum containing the oil. If the radius of the drum is 7 cm and its height is 60 cm, find the rate at which the level of oil is changing when the oil level is 18 cm. Now let's make a small picture. Suppose ये हमारा cylindrical drum है which is kept vertical. The radius of the drum is 7 cm and the height is 60 cm. It is filled with oil. Suppose ये oil है. तो there is a hole in the bottom और उससे oil leak हो रहा है. At the rate of 16 ml per second. Now ml is volume की unit, seconds is time की. Therefore dv by dt हमको दे रखा है 16 ml per second. Obviously negative होगा क्योंकि volume decrease हो रहा है oil का. And जैसे जैसे volume decrease हो रहा है level भी उसका गिर रहा है. Let's say initially the कुछ देर बाद उसका volume का level ये हो गया. After some time और धीरे धीरे उसका वॉल्यूम कम हो गया तो उसकी हाइट डिक्रीज हो रही है. तो वी हैव टू फाइंड हाउ इज द रेट और हाउ इज द हाइट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और कब पता लगाना है, जब लेवल ऑयल लेवल क्या हो इज 18 ml, दैट इज 18 ml जब रह गया हो. ठीक है. तो नाउ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय पाई आर स्क्वेयर एच. बट कॉन्ट्री टू कोन, कोन में क्या होता था, रेडियस और हाइट दोनों चेंज होती थी साइमल्टेनियसली. पर सिलेंडर में जैसे जैसे ऑयल नीचे ऐसे लीक होगा रेडियस चेंज नहीं होगी, ओनली हाइट विल चेंज. देयरफॉर इन दिस केस, सिलेंडर के केस में रेडियस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द केस ऑफ सिलेंडर, ओनली हाइट विल चेंज. तो ये तो फिर हमारे लिए आसान है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच. तो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट विल बी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एच का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा. नाउ वी आर गिवन डीवी बाई डी टी. तो डीवी बाई डी टी को हम कैसे लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी एच एंड डी एच बाई डी टी. चेंज इन हाइट होगा, जैसे जैसे ऑयल गिरेगा लीक होगा तो हाइट चेंज होगी, हाइट चेंज होगी वॉल्यूम भी चेंज होगा. तो डीवी बाई डी एच क्या है, पाई आर स्क्वायर. एंड डी एच बाई डी टी वी हैव टू फाइंड आउट. एंड डी वी बाई डी टी इज गिवन टू बी -16 ml per second. Now, तो this is given as we know 1 liter equals to 1000 milliliter and 1 liter has 1000 meter cube, or rather reverse होगा. We know 1 meter cube has 1000 liters which is same as 1000 into 1000 ml. Now 1 meter cube, since every unit is in centimeter, तो 1 meter cube को हम 100 into 100 into 100 centimeter cube लिख सकते हैं, जो which means 3 and 3 6 2 4 6. Therefore 1 centimeter cube is equal to 1 ml. तो बेसिकली ये क्या हो गया, 16 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. नाउ देखो डीएच बाई डी टी क्या हो गया, -16 अपॉन पाई आर स्क्वायर, -16 अपॉन पाई आर तो कांस्टेंट है, इज 7 इंटू 7. तो इफ यू वांट टू लीव द आंसर इन पाई तो ठीक है, नहीं तो 22/7 भी रख सकते हैं. द आंसर इज 16 अपॉन 49 पाए सेंटीमीटर पर सेकेंड. देयरफॉर द रेट एट विच द हाइट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज -16/49 पाए. माइनस का मतलब क्या है, द रेट इज, द हाइट इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि इसमें हाइट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हाइट किस इंस्टेंस पे हम मांग रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट किस इंस्टेंस पे मांग रहे हैं. जैसे इस क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड द चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हाइट 18 हो,
बट 18 का कोई यूज ही नहीं है. इट मीन्स हमारा कॉन्स्टेंट रेट पे हाइट डिक्रीज हो रहा है, कॉन्स्टेंट रेट है 16/49 π cm/s से हाइट डिक्रीज हो रही है. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल. यू हैव टू फाइंड द एंगल एक्स विच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन. क्या मतलब हुआ, लेट द एंगल बी एक्स. तो कह रहा है एक ऐसा एंगल हमें फाइंड करना है जिसका रेट ऑफ चेंज ट्वाइस हो उसके साइन के. साइन मतलब एस आई एन ई, साइन ऑफ एक्स. मतलब व्हाट इज इट सेइंग कि डी एक्स बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स साइन. साइन मतलब साइन एक्स, उस एंगल का साइन ले, उसके जो रेट ऑफ चेंज है उसका दुगुना हो. ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस डी बाई डी टी ऑफ साइन एक्स. क्या होगा साइन एक्स, ये तो चेन रूल हो गया, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, एंड देन वी मूव इन साइड एक्स का क्या हो गया डी एक्स बाई डी टी. तो देयरफॉर डी एक्स बाई डी टी कैंसिल्स आउट, वी हैव कॉस एक्स इंटू टू इज वन, देयरफॉर कॉस एक्स कितना हो गया हाफ, देयरफॉर एक्स कम्स आउट टू बी पाई बाय थ्री, दैट इज 60 डिग्री. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट सैंड इज बीइंग पोर्ड ऑन अ लेवल ग्राउंड सच दैट द शेप ऑफ अ हीप इज ऑलवेज अ राइट सर्कुलर कोन विथ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ 30 डिग्री. द रेट ऑफ पोरिंग इज 100 cm³/min. फाइंड द रेट एट विच द रेडियस स्लांट हाइट एंड हाइट इज चेंजिंग एट टी इक्वल्स टू 10 मिनट्स. अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सैंड है, मिट्टी जो विच इज बीइंग पोर्ड ऑन द ग्राउंड, और उसको जब गिरा रहे हैं तो क्या शेप बन रही है. द शेप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, लेट्स से समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. जो हम मिट्टी गिरा रहे हैं उससे एक हीप बन रहा है, लेट्स से यू आर मेकिंग अ हीप, और वो कोन की शेप में है. लेट्स से ये उसका हाइट है, ये उसका रेडियस है, एंड लेट्स से एक इंटरमीडिएट पॉइंट है आर, लेट्स से. तो जो सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल मतलब ये एंगल, सेमी मींस आधा, वर्टिकल मतलब पूरा एंगल, उसका आधा इज 30 डिग्री. नाउ एट एनी स्टेज, अब इसका 30 डिग्री देने का क्या मतलब है. 30 डिग्री देने का मतलब है कि किसी भी स्टेज पे अगर हमें, जैसे वॉल्यूम इसका क्या होता है 1/3 π r²h, तो जो r और h है दोनों चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे जैसे हीप बनेगा तो हर स्टेज पे r और h चेंज होगा, और वॉल्यूम का चेंज जब अगर निकालना होगा तो दो वेरिएबल्स अगर साथ में चेंज हो रहे हैं तो वो हमें वो तो मल्टी वेरिएबल हो जाएंगे. आर भी चेंज हो रहा है, एच भी चेंज हो रहा है, तो वी किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे. तो एक वेरिएबल को हमेशा हमें रिड्यूस करना पड़ेगा. तो लेट से अगर हमारी हाइट एच है एट एनी स्टेज और रेडियस आर है, तो व्हाट वी कैन डू, हमेशा हम इसमें टैन थीटा लगा दें. टैन 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर विच इज आर अपॉन बेस विच इज एच. हर स्टेज पे ये हो रहा होगा, किसी भी स्टेज पे कौन फॉर्म होगा, हर स्टेज पे r अपॉन h विल ऑलवेज बी tan 30, क्योंकि वर्टिकल एंगल से भी वर्टिकल एंगल तो 30 ही रहेगा, विच इज 1/√3. इसका फायदा क्या हुआ कि r की जगह हम क्या लिख सकते हैं h अपॉन रूट थ्री, और h की जगह हम क्या लिख सकते हैं r√3. इन द सेम वे अगर हम हाथ के हाथ करें, क्योंकि हमें स्लांट हाइट का भी निकालना है, तो लेट से ये इसकी स्लांट हाइट है एट एनी स्टेज l. लेट्स यूज अ डिफरेंट नोटेशन, ये अभी हम हटा देते हैं. लेट्स से ये स्लांट हाइट एल हो गई और ये एंगल है 30 डिग्री. तो स्लांट हाइट का रिलेशन क्या होगा, स्लांट हाइट आर और एच को हम स्लांट हाइट के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं. नाउ आर अपॉन एल विल बी साइन ऑफ 30, परपेंडिकुलर 90 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज. इसी तरह बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज इज कॉस ऑफ 30.
एल आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एल क्या होगी, एल साइन 30, और एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एल क्या होगी, एल कॉस 30। तो अब हमने सारे वेरिएबल्स एक दूसरे के टर्म्स में रिलेट कर लिए। नाउ वॉल्यूम क्या है हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले अगर हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, तो हमको दे रखा है डीवी बाय डी टी एज 100 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, और ये पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हीप है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, सैंड इज बीइंग पोर्ड, तो पॉजिटिव लेंगे। नाउ वॉल्यूम तो चेंज, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो जब हमें रेडियस के रिस्पेक्ट में इसको निकालना है, तो हम सब वेरिएबल्स क्या करेंगे, रेडियस के टर्म्स में कर देंगे। 1/3 पाए आर स्क्वायर रहने दिया, एच को आर के टर्म्स में लिखे तो क्या होगा, आर रूट थ्री। तो ये हो जाएगा आर रूट थ्री, तो विच गिव्स पाए आर क्यूब अपॉन रूट थ्री। नाउ अब डिफरेंशिएट कर दें डीवी बाय डी आर, क्योंकि वी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन रूट थ्री। ठीक है, तो ये कितना आ गया, रूट थ्री पाई आर स्क्वायर। बट डीवी बाय डीटी जो हमें दिया है, वी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू आर एंड आर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, चेन रूल। तो डीवी बाय डीटी तो हमें दे रखा है 100, एंड डीवी बाय डी आर है रूट थ्री पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। तो देयरफॉर डी आर बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ गया, 100 अपॉन रूट थ्री पाई आर स्क्वायर। अब हमें किस इंस्टेंस में निकालना है डी आर बाई डी टी, यानी आर की वैल्यू कब निकालनी है, एट टी इक्वल्स टू 10 मिनट्स। तो एट टी इक्वल्स टू 10 मिनट्स है और सैंड इज बींग पोर्ड एट द रेट ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, यानी एक मिनट में 100 सेंटीमीटर क्यूब सैंड पोर कर रहे हैं। तो 10 मिनट्स में कितनी सैंड पोर कर देंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब पोर कर देंगे तो फिर वॉल्यूम क्या है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, दैट वाज पाई आर क्यूब अपॉन रूट थ्री। तो 10 मिनट्स में कितना वॉल्यूम हमने पोर कर दिया, 1000। तो कोरस्पॉन्डिंग रेडियस फिर क्या रही होगी, 1000 रूट थ्री अपॉन पाए। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेकिंग क्यूब रूट, तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री अपॉन पाए रेस टू पावर 1/3। अब वो वैल्यू हम यहां रख दें कि डी आर बाई डी टी एट टी इक्वल्स टू 10 मिनट्स, उस वक्त रेडियस क्या था, 100 अपॉन रूट थ्री पाए, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इंटू रूट थ्री बाय पाए 1/3 की पावर 2। तो 100 से कैंसिल हो गया, वी गेट 1/√3 पाए, एंड दिस कैन बी रिटन एज रूट थ्री रेस टू पावर 2/3, एंड पाए ऊपर चला गया 2/3। तो विच ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स, ये कैंसिल होके 1/3 आ जाएगा, तो पाए 1/3 1, और ये कितना हो जाएगा, रूट थ्री रेस टू पावर 5/3, यानी दिस मच सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से रेडियस चेंज हो रही है। और लेट्स टेक द सेकंड पार्ट। अब हमें स्लैंट हाइट का रेट ऑफ चेंज निकालना है। लेट्स से वी क्या था, 1/3 पाय आर स्क्वायर एच, बट हमने रिलेशन निकाल लिया है आर और एल में, और एच ओ एल में आर इज एल साइन थीटा, आर इज एल साइन थीटा दैट इज साइन 30 विच इज एल बाय 2, एंड एच इज एल कॉस थीटा, कॉस 30 यानी रूट थ्री एल बाय 2। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, 1/3 पाए आर स्क्वायर क्या हो गया, एल स्क्वायर बाय 4 इंटू एच क्या है, रूट थ्री एल बाय 2। तो कितना हो जाएगा, पाए रूट थ्री एंड रूट थ्री गेट्स कैंसिल्ड, तो पाए बाय 8√3 एल क्यूब। तो v इन टर्म्स ऑफ l आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू l, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू l, तो dv बाय dl क्या होगा, π
पाई अपॉन 8 रूट 3 इंटू 3 एल स्क्वायर, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हुआ, यानी पाई रूट 3 एल स्क्वायर बाय 8। बट डीवी बाय डीटी हमें दिया है, विच कैन बी रिटन एज डीवी बाय डीएल एंड डीएल बाय डीटी बाय चेन रूल। तो डीवी बाय डीटी इज 100, डीवी बाय डीएल इज पाई रूट 3 एल स्क्वायर अपॉन 8 इंटू डीएल बाय डीटी। तो अगर रीअरेंज करें तो डीएल बाय डीटी कम्स आउट टू बी 800 अपॉन पाई रूट 3 इंटू एल स्क्वायर। अब हमें डीएल बाय डीटी कब निकालना है, एट टी इक्वल्स टू 10 मिनट्स। तो टी इक्वल्स टू 10 मिनट्स के हिसाब से जैसे हमने पिछले पार्ट में किया, वी कितना हो गया होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 100 सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म हो रहा है, गिर रहा है 1 मिनट में, तो 10 मिनट्स में इतना हो जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू पाई एल क्यूब अपॉन 8 रूट 3। तो एल क्यूब की वैल्यू उस वक्त क्या हो रही होगी, 8000 रूट 3 अपॉन पाई। तो विच कैन बी, इफ वी टेक द क्यूब रूट, तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 20 रूट 3 अपॉन पाई रेस टू पार 1/3। बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो डी एल बाई डी टी एट टी इक्वल्स टू 10 मिनट्स इज 800 अपॉन रूट 3 पाई एल स्क्वायर, यानी 400 रूट 3 रेस टू पार 2/3 एंड पाई रेस टू पार 2/3। तो 400 वन्स आ, 400 टूज आ, एंड दिस कैंसिल्स आउट 1/3 हो गया। तो 2 अपॉन पाई रेस टू पार 1/3 इंटू रूट 3 रेस टू पार 5/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Now let's take the third part. अब हमें हाइट के रिस्पेक्ट में हाइट का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो अगेन वी गो फॉर द सेम प्रोसेस, 1/3 by r square h, and r by h हमारा क्या था, tan 30, तो r was h by root 3, because this is 1/√3। तो अब हम क्या लिख देंगे, 1/3 into pi r square कितना हो गया, h square by 3 into h, which is pi h cube by 9। Now differentiating with respect to h, dv by dh कितना आ गया, 3 pi h square by 9, which is pi h square by 3। अब dv by dt was given, तो हम dv by dt को क्या लिखते हैं, dv by dh and dh by dt by chain rule, which can be written as pi h square by 3 into dh by dt, and dv by dt तो 100 है, तो therefore dh by dt can be written as 300 upon pi h square। Now we have to find dh by dt at t equals to 10 minutes, or at t equals to 10 minutes h क्या होगा वो हम निकाल लें। तो in 10 minutes volume कितना develop हुआ होगा, 1000, this should be equal to pi h cube by 9, तो h cube की value 9000 अपॉन पाई, तो h की वैल्यू क्या हो गई, 9000 अपॉन पाई रेस टू पार 1/3, विच इज 10 इंटू 9 अपॉन पाई रेस टू पार 1/3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, 300 और रादर dh बाई dt एट t इक्वल्स टू 10 मिनट्स क्या होगा, 300 अपॉन पाई इंटू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर हो गया 100 और 9 रेस टू पार 2/3 और पाई रेस टू पार 2/3, 1 टाइम्स 3 टाइम्स पाई रेस टू पार, यहाँ 1/3 आ गया, एंड द आंसर इज 3 अपॉन पाई रेस टू पार 1/3, एंड दिस कैन बी रिटन एज 9, दिस पोर्शन कैन बी सिंप्लीफाइड एज 3 स्क्वायर होल रेस टू पार 2/3, हो गया 3 रेस टू पार 4/3, 3 रेस टू पार 4/3, तो ये कैंसिल आउट होकर हो गया 3 रेस टू पार 3, देखो द आंसर इज 3 पाई रेस टू पार 1/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखोर हमने देखा कि हम कोन के केस में तीनों, एक तरीके से तीनों चीजें चेंज होंगी, रेडियस भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाइट भी चेंज होगी और स्लांट हाइट भी चेंज होगी, एंड तीनों के चेंज की वजह से वॉल्यूम चेंज हो सकता है।
लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर इज, मतलब ये हमारा स्फीयर है, ये रेडियस हो गया, इसके वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया, मतलब इफ वी इज द वॉल्यूम एंड एस इज द सरफेस एरिया, मतलब ये क्या मांग रहा है, डी वी बाय डी एस. तो बेसिकली ये तो कौन सा केस हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया क्या है, 4πr². इसको आप पैरामेट्रिक भी कह सकते हैं, वी इज अ फंक्शन ऑफ आर, एस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ आर. इस केस में क्या करते थे, डी वी बाई डी आर अपॉन डी एस अपॉन डी आर. तो डी वी बाई डी आर क्या हो गया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा, 4/3 πr² सिमिलरली डी एस बाई डी आर डिफरेंशिएटिंग एस विद रिस्पेक्ट टू आर तो क्या हो जाएगा, 8πr. तो पाए से पाए कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विद आर बाई टू. नाउ और डी वी बाई डी एस कहाँ निकालना है, वेन आर इज 2, तो देखो 2/2 दैट इज 1, द करेक्ट आंसर इज 1. Now let's take the next question. The radius of a right circular cylinder increases at the rate of 0.1 centimeter per minute and the height decreases at the rate of 0.2 centimeter per minute. Then the rate of change of volume of the cylinder in centimeter cube per minute when the radius is 2 centimeter and height is 3 centimeter. So if we draw a rough sketch of this, कि suppose हमारे पास एक cylinder है और हो क्या रहा है कि इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एंड इट्स हाइट इज डिक्रीजिंग. थोड़ी देर बाद लेट से वी यूज अ डिफरेंट कलर, लेट से बाद उसकी शेप क्या हो गई, रेडियस तो बढ़ गया लेकिन हाइट कम हो गई. थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी रेडियस और बढ़ गई और हाइट और कम हो गई एंड सो ऑन, ऐसे हो रहा है ये. तो इसके वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा होगा. अर्लियर एक क्वेश्चन में हम लोग ने कहा था जब ऑयल वॉज लीकिंग वाला केस था कि ऑयल इज लीकिंग थ्रू द सिलेंडर, तब हमने कहा था कि द रेडियस डज नॉट चेंज. वो उस केस के लिए ठीक था कि अगर उसमें से वॉल्यूम, अगर हम उसमें हमारा रेडियस चेंज नहीं हो रहा था क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, तो जो ऑयल निकल रहा था वो अपनी शेप सिलेंडर के फॉर्म में ही रख रहा था. ये हमारा एक और केस है जिसमें हम हाइट और रेडियस दोनों चेंज कर रहे हैं, दिस केस इज डिफरेंट. ठीक है, तो हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. नाउ इन दिस केस आर एंड एच बोथ आर चेंजिंग बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से रेडियस भी चेंज हो रहा है और हाइट भी चेंज हो रही है, तो फिर वॉल्यूम तो ऑब्वियसली चेंज होगा. अगर एक भी वेरिएबल चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, यहां दोनों ही चेंज हो रहे हैं. तो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी क्योंकि हमको सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट पूछा गया है. तो डी वी बाई डी टी क्या होगा, पाए कॉमन बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर एच विच इज सेम एज पाए. अब इसमें हमें प्रोडक्ट रूल दिख रहा है बिकॉज आर एंड एच बोथ आर फंक्शन, तो आर स्क्वायर को बाहर किया डी एच बाई डी टी प्लस एच को बाहर किया डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू टी इसको कैसे करेंगे, एच को कोई फंक्शन जैसे हम लोग इम्प्लिसिट में करते थे डी फाइ वाई अपॉन डी टी, तो कैसे करते थे, जो वाई का फंक्शन था उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करते थे एंड देन डी वाई बाय लेट से डी वाई बाई डी एक्स जब उसमें सॉल्व करते थे तो क्या होता था, y के फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y पहले डिफरेंशिएट करते थे और फिर dy by dx लिखते थे. अब यहां पे क्या होगा, h के फंक्शन को पहले h के रिस्पेक्ट में करेंगे तो h का डिफरेंशिएशन h के टर्म्स में क्या होगा, 1 और फिर dh by dt, तो अल्टीमेटली dh by dt ही आएगा प्लस h. अब r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले किसके टर्म्स में करें, r स्क्वायर के टर्म्स में, तो क्या होगा 2r एंड देन dr by dt is dv by dt. तो
डी एच बाई डी टी हमारे कितना दिया है, द हाइट इज एक्चुअली डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर मिनट, अब डिक्रीज कर रहा है तो यानी माइनस, एंड डी आर बाई डी टी रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर मिनट। तो बस वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर दें, यस, तो क्या होगा, पाए बाहर है, तो पाए टाइम्स आर स्क्वायर, आर कितना दिया है, एट व्हाट इंस्टेंस, आर इज 2 एंड हाइट इज 3, तो डीवी बाई डी टी हमें निकालना है व्हेन आर इज 2 एंड एच इज 3, तो यू गेट 2 टू द 4, डी एच बाई डी टी इज गिवन टू बी माइनस 0.2 प्लस एच, एच इज 3 इंटू 2 इंटू आर इज 2 एंड डी आर बाई डी टी इज 0.1, तो कितना आ गया, पाई टाइम्स माइनस 0.8 प्लस 2 टू जो 4 3 जो 12 यानी 1.2, देयरफॉर 0.4 इंटू पाई, 0.4 इंटू पाई कैन बी रिटन एज 4 बाय 10 पाई विच इज 2 एंड 5 2 पाई बाय 5, देयरफॉर द वॉल्यूम इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 2 पाई बाय 5, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। Now let's take the next example. A man is moving away from a tower 41.6 meters high at a rate of 2 meter per second. If the eye level of the man is 1.6 meters above the ground, then the rate at which the angle of elevation of the top of the tower changes when he is at a distance of 30 meters from the foot of the tower. Now, ab isko zara analyze karte ki, let's say We have a ground level और एक टावर है विच इज 41.6 मीटर्स हाई, और एक मैन है विच इज 1.6 मीटर्स एंड लेट्स से वी हैव दिस सिचुएशन कि ये टावर है विच इज 41.6 मीटर्स हाई और ये मैन है विच इज 1.6 मीटर्स हाई, तो यहां पे उसका आई लेवल होगा, यहां से वो टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है, दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, और वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द टावर, ऐसे चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो यहां आ जाएगा, लेट्स से वी ड्रॉ दिस, वो थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा, और यहां से फिर क्या होगा, यहां से वो देखेगा, फिर थोड़ी देर बाद ही इज मूविंग अवे फ्रॉम द टावर, थोड़ी देर बाद वो यहां आ जाएगा, लेट्स से ही कम्स टू दिस पॉइंट, और यहां से उस टॉप ऑफ द टावर को उसकी आंख देखेगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा, इसी तरीके से यहां ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, यहां पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता जा रहा है, तो हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन के चेंज होने का रेट बताना है, यानी वी हैव टू फाइंड डी थीटा बाय डी टी। नाउ तो ठीक है, इफ दिस इज द हाइट ऑफ द मैन 1.6 मीटर्स, तो ये भी 1.6 मीटर्स हो जाएगा, देयरफॉर दिस हाइट will be 40 meters, to let at any instance the angle of elevation of top of the tower as seen by the man be theta, or at that instance जो डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द टावर है वो एक्स है, एंड डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम मैन इज एक्स मीटर्स, ठीक है, अगर ये एक्स है तो फिर ये भी एक्स होगा, तो ये 90 डिग्री है, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो इन ट्राइंगल ABC, tan
थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी, ए बी है 40 एंड बी सी इज एक्स, तो एज एक्स चेंजेस थीटा भी चेंज होगा, यानी हमें वो दो वेरिएबल्स मिल गए, उन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन मिल गया जो जिसके वजह से चेंज हो रहा है और जिसको चेंज होना है, मतलब थीटा का चेंज निकालना है पर वो थीटा किसके वजह से चेंज हो रहा है, एक्स के वजह से, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा थीटा चेंज होगा, इनफैक्ट थीटा नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि थीटा घटेगा जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा टैन थीटा का क्या हो जाएगा, सब पहले पावर फंक्शन देखते हैं, पावर फंक्शन है नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, तो टैन थीटा का क्या हो गया सेक्स स्क्वायर थीटा, फिर देन वी मूव इनसाइड, थीटा का क्या हो गया डी थीटा बाई डी टी बिकॉज थीटा इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू एक्स रेस टू पावर माइनस वन, नाउ एक्स इज ऑल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 40 एक्स रेस टू पावर माइनस वन का माइनस वन एक्स रेस टू पावर माइनस टू एंड एक्स का क्या होगा डी एक्स बाय डी टी, तो क्या हो गया सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इज माइनस 40 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी उन्होंने हमको दे रखा है द मैन इज मूविंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये जो यहां इसके बढ़ने की स्पीड है वो क्या है 2 मीटर्स पर सेकेंड, जितनी स्पीड से वो आगे बढ़ेगा उसी हिसाब से एक्स का रेट चेंज होगा, एक्स भी उसी हिसाब से चेंज होगा जिस हिसाब से मैन मूव करेगा अवे फ्रॉम द टावर, तो ये हम लिख सकते हैं माइनस 40 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2, और डी एक्स बाई डी टी पॉजिटिव होगा बिकॉज द मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम द टावर, तो एक्स इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया माइनस 80 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर डी थीटा बाई डी टी इज माइनस 80 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा विच इज माइनस 80 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें डी थीटा बाई डी टी कब निकालना है, When the man is at a distance of 30 meters from the wall, तो या टावर, तो x क्या हो जाए 30 हो जाए 30 meters, तो x तो हमारा 30 होगा, तो corresponding value of theta क्या होगी, अब इसको हम ऐसे देखें कि हमें theta निकालना है when x is, let's say we use a different color, जब x क्या है 30 है, तो इस triangle को अगर हम देखें ABC को, तो ये लेंथ है 30, ये तो 40 रहेगी कांस्टेंट है, तो एंगल यहां पे क्या बनेगा कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट दिस लेंथ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर विच इज 50, तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5, तो व्हेन एक्स इज 30 तो वी कैन राइट व्हेन एक्स इज 30 थीटा वुड बी और rather cos theta would be 3/5, तो values place करिए minus 80 into 9/25 into x की जगह 30 का square, तो 1 0 से 1 0, 9 1 9 10 2 4 2 5, therefore minus 4 upon 125 radians per second, क्यों, क्योंकि angle आपका radians में है, radians per second, therefore which option is the correct option, the first option. Now let's take the next example. A lamp of negligible height is placed on the ground L1 meters away from a wall. ठीक है, let's draw this. Let's say ये ground है and let's say ये wall है. And let's say ये लैम्प की पोजीशन है, दिस इज लैम्प, और ये कितना दूर है L1 meters. Now, a man L2 meters tall is walking at a speed of L1 by 10 meters per second from the lamp to the nearest point on the wall. Now, suppose ये मैन है and his height is L2 meters. और ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द वॉल, और इसकी जो मूव करने की स्पीड है वो है
एल वन अपॉन टेन मीटर पर सेकेंड। नाउ तो ऑब्वियसली ये जो लैम्प है ये रिफ्लेक्ट करेगा इसके शेडो ऑन द वॉल। लेट्स सी वॉल है, तो जैसे जैसे मैन मूव्स टुवर्ड्स द वॉल, जैसे जैसे वॉल की तरफ बढ़ेगा ये हाइट जो है क्या होगी, इंक्रीज होगी शेडो की। तो व्हेन ही इज मिडवे बिटवीन द वॉल एंड द लैम्प, जब वो आदमी L1 by 2 पर है फ्रॉम द वॉल, मिडवे मतलब क्या हुआ, वॉल और लैम्प के बीच में उनका डिस्टेंस L1 है, तो व्हेन डिस्टेंस इज L1 by 2 तब उसका रेट ऑफ चेंज इन द लेंथ ऑफ शेडो क्या है। शेडो तो यहां बन रहा है उसका वॉल पे, तो इसकी शेडो की लेंथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी एज ही इज मूविंग टुवर्ड्स द वॉल, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो की लेंथ क्या है। ठीक है, तो लेट्स रिमूव दिस। तो लेट्स से हमने कहा लेट एट एनी इंस्टेंस द मैन इज एक्स मीटर्स फ्रॉम द लैम्प, मतलब किसी भी मौके पे किसी टाइम टी पे उसका डिस्टेंस फ्रॉम द लैम्प इज एक्स मीटर्स। नाउ एंड एट दैट इंस्टेंस द लेंथ ऑफ शैडो ऑन द वॉल इज वाई मीटर्स, मतलब उस समय जब उसका डिस्टेंस फ्रॉम द लैम्प एक्स है, लेंथ ऑफ शैडो ऑन द वॉल वाई है। लेट्स से वी मेक इट प्रॉपरली, लेट्स वी मेक इट प्रॉपरली, ये हाइट ऑफ द शेडो इज वाई मीटर्स। नाउ ठीक है, तो लेट्स मार्क देम एज ए बी सी डी एंड ई। तो यू कैन सी दैट दिस एंगल तो इज 90 डिग्री ऑब्वियसली। तो इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल डी सी ई दे आर वॉट सिमिलर, क्यों, क्योंकि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई है कॉमन एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई है 90, तो देयरफॉर बाय ए क्राइटेरिया सिमिलर हो गए। तो बाय प्रोपोर्शनेट साइड्स कैसे लिखेंगे, एल टू अपॉन वाई इज सेम एज एक्स अपॉन एल वन, कैसे, वी कैन राइट सी डी अपॉन ए बी इज सेम एज सी ई अपॉन बी ई। तो यहां से एक्चुअली हम लोग को करना क्या है, हम लोग का रूल क्या है कि जिस चेंज जिस क्वांटिटी में चेंज निकालना है और जिसके वजह से चेंज हो रहा है उनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए विद अदर विद नो अदर वेरिएबल, बाकी सब कॉन्स्टेंट हो। तो वॉट वी कैन राइट इज y इज इक्वल टू एल वन एल टू अपॉन एक्स। नाउ x में जैसे जैसे x चेंज होगा दैट इज द मैन इज मूविंग टुवर्ड्स द वॉल, तो जैसे जैसे वॉल की तरफ जाएगा x चेंज होगा, और x चेंज होगा तो क्या होगा, लेंथ ऑफ शेडो चेंज होगा, तो y और x डायरेक्टली रिलेटेड है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो y का हो गया dy by dt एंड दिस कैन बी रिटन एज एल वन एल टू इंटू एक्स रेस टू पावर माइनस वन। ठीक क्या हो जाएगा, एल वन एल टू एक्स रेस टू पावर माइनस वन का माइनस एक्स रेस टू पावर माइनस टू एंड एक्स का क्या हो गया डी एक्स बाय डी टी बाय चेंज। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एल वन एल टू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी। नाउ डी एक्स बाय डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द लैम्प इज एल वन बाय टेन, क्यों, जो जो मैन की स्पीड है टुवर्ड्स द वॉल वही स्पीड है चेंज की ऑफ एक्स, डी एक्स बाय डी टी का जो चेंज है इज सेम एज एल वन बाय टेन, क्योंकि जैसे जैसे मैन वॉल की तरफ जाएगा
उसी हिसाब से dx बाई डी टी भी चेंज होगा। तो एल वन बाई टेन एस डी एक्स बाई डी टी, और ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड आई गेस, यही है यस। तो मीटर पर सेकेंड, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि x बढ़ रहा है एस टाइम इंक्रीजेस। तो यहां हमारा हो जाएगा माइनस एल वन एल टू अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स बाई डी टी इज वॉट एल वन बाई टेन। नाउ एक्स स्क्वेयर क्या है, किस पॉइंट पे हमें ये चेंज निकालना था इन द लेंथ ऑफ द शैडो, व्हेन ही इज मिडवे बिटवीन द लैंप एंड द फुट ऑफ द वॉल। तो यानी एल वन बाय एक्स की वैल्यू क्या हो, एल वन बाय टू जब मिडवे है बिटवीन बी ई, यानी एल वन बाय टू, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी एल वन बाय टू, तो माइनस एल वन एल टू अपॉन एल वन स्क्वायर इंटू फोर इंटू एल वन बाय टेन। तो एल वन इंटू एल वन से एल वन स्क्वायर चला गया, टू टू जा टू फाइव जा, तो क्या आया माइनस टू एल टू बाय फाइव। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दिस मच मीटर पर सेकेंड, एंड द नेगेटिव साइन इज शोइंग कि द हाइट ऑफ द शेडो इज एक्चुअली डिक्रीजिंग एज यू आर मूविंग टूवर्ड्स द वॉल। तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बी। तो जो साइन है वो हमें ये बता रहा है एक्चुअली कि जैसे जैसे हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द टावर या वॉल, हमारा जो लेंथ ऑफ शेडो है दैट वुड बी डिक्रीजिंग, और किस रेट से डिक्रीज होगा 2L by 2 by 2L2 by 5 मीटर पर सेकेंड।